मैं बता रही हूँ आई थिंक आई एव बिकम इम्यून टू दीज लाइन्स एंड मैं अच्छा हुआ सैट एड लर्निंग हाउ टू ड्राइव एट अ लेटस्ट स्टेज इन माई लाइफ अगर मैंने ये पहले सीखा होता तो इन कॉमेंट से डर के मैं गाड़ी सीखती ही नहीं बट नाउ आई डोंट केयर मैंने कहा जो जितना बोलना है बोलो हाँ इनफैक्ट मैं उल्टा बोलूंगी है. मैंने कहा ओ सॉरी लड़की ना इसलिए हो गया हाँ. अब हट जाओ <laughs> रास्ता छोड़ दो ना आप अलग चलाओ आपको बड़ा आता है मैं इधर से ही जाऊँ <laughs> it's just, it's very odd. Everybody asks me these questions in interviews, and I said, I don't have an answer. Uh -huh. Because, hey, rumor in here, like, you know, this rapid fire, uh -huh. one crazy rumor you heard about yourself. Uh -huh. I'm like, sure. hmm None? <laughs> I said, none? <laughs> I don't know what to do. So, uh, I'm glad there's one crazy rumor now. Finally. Finally. One crazy rumor. Yeah. Hi, I'm Nushad Bharucha, and you're watching me on Literary Plus. ये शाम की जाए।, जाए हमें दूर कोई मेरी लिए आए, आए। क्यों क्या हो मेरे पास <laughs> मैंने क्यों गाया पता है बिकॉज मेरे को ऐसी एनर्जी रखनी है दिस इंटरव्यू एंड दैट इज आई एम वेलकमिंग नुशरत भरूचा ऑन माय फ्राइडे नाइट आई वो सी माय फ्राइडे डेट ऑन मिर्ची

ये एक एकदम स्पॉन्टेनियस एकदम ऑन द स्पॉट ऑफ द मोमेंट वाला डिसीजन था कि चलो ये ऑफ का एक कोर्स है और बिगनर्स uh, लेवल हो रहा है जाके ट्राई करते हैं क्या है अगर नहीं कर पाए और बहुत डर लगा और चीज़ें सही नहीं बैठी तो नहीं करेंगे बट आई टुक ऑफ अ फ्रेंड ऑफ माइंड एनरोल मी एंड सेट चलो विल गो एंड डू दिस आई एम एनरोलिंग अस एंड वील गो एंड डू दिस होल ऑफ तुमको सिखा देंगे मैंने कहा चलो

So, तो पलटी भी, पल, भी हो सकती है hmm. अगर पलट गई तो कोई नहीं हम चार पांच लोग उसको सीधा कर देंगे ऑब्सटिकल oh. दोबारा करना है मीन इफ यूर कार तो बट मजा बहुत आया सच में ये ये जो टॉपल होने का डर ऐसे कुछ हुआ थोड़ा बहुत जब घर पे आके बोला आपने आपकी मॉम डैड को यू नो एंड यू नो दे आर वेरी मच लाइक प्रोटेक्टिव अबाउट यू तो वो कैसा था यू नो वो बोले बोला नहीं मैंने सीधा रील देखा उन्होंने इंस्टाग्राम हाँ, पे। और क्योंकि और, मैंने वहीं से एडिट एडिट करके डाल दिया सो दे सॉ माई रील एंड दे वॉट वॉट आई थू गॉन ऑन लाइक जस्ट अ ये कर लिया मैंने। पर मम्मी ने कहीं ना कहीं बोला कि मारी छोरी छोरों से कम है नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला मम्मी ने बोला मुझे लेके चल अगली बार मैं भी करती हूँ वाह ये काफी अच्छा था बट यू नो ये एक परसेप्शन होता लड़कियों को लेकर यानी ना लड़कियां गाड़ी चला रही है स्पेशली यू नो इवन नाउ टुडे व्हेन आई केम ना

अगर मैंने ये पहले सीखा होता तो इन कॉमेंट से डर के मैं गाड़ी सीखती ही नहीं बट नाउ आई डोंट केयर मैंने कहा जो जितना बोलना है बोलो डों इनफैक्ट हाँ, मैं उल्टा बोलूंगी हाँ। मैंने कहा ओ सॉरी लड़की हो ना इसलिए हो गया हाँ। हट जाओ <laughs> रास्ता छोड़ दो ना आप अलग चलाओ आपको बड़ा आता है मैं इधर से ही जाऊंगी पेशेंस लेवल कैसा है आपका आई uh, पहले तो बिल्कुल ही नहीं था बट बॉम्बे में आपको गाड़ी चलाने से पहले पेशेंस रखना सीखना पड़ता है बिकॉज इट्स नो बडीज़ फॉल्ट रास्ता इतना ही है और गाड़ियाँ बढ़ती जा रही है करेक्ट और रिक्शाज बढ़ती जा रही है और बाइक्स बढ़ती जा रही है तो दर इज नो वे हमारे पास कोई अलग बाइक का अलग ट्रैक या गाड़ियों का अलग ट्रैक या हैवी मोटर्स का अलग ट्रैक है नहीं ना सभी के रास्ते पे जा रहे हैं सो इट्स यू हैव टू बी पेशेंट सच मैं एक्टिवा चलाती तो मुझे पता है दैट यू नो सीरियसली लाइक

He's he's going very and and decided to 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 go from his his lane to my lane. my Now I'm coming at a speed. Suddenly this car comes, and I have to like, हाँ. and I'm like, dude. मतलब उसको तो पता भी नहीं पीछे से ही इज जस्ट ऑफ रोडेड मी पर ऐसे ही ना मुंबई में आप चला रहे अच्छे से मूड लेके जा रहे हैं सडनली

वेटिंग पीरियड थोड़ा लंबा हो गया बट आ गया पर तुम किसको ये डायलॉग बोलने वाली वाली हो लिटरली लाइक आ जा मेरी गाड़ी में बैठा <laughs> आ गाड़ी आई रोधि मैं किसी को बोलने वाली हूँ मैं नहीं। अपनी गाड़ी में अकेले खुश अच्छा बहुत पर यू नो ये जो आपने जो फुल जो इंस्पायर करके रखा है आई रियली वॉन्ट टू नो बिकॉज मैं जब भी घर पर जाती हूँ ना कुछ भी काम कर लो एक ही मम्मी का डायलॉग होता है शादी कब कर रहे हो

सो दे अंडरस्टैंड के फॉर एंड आई एम ऑनस्टली सेट आई मीन अफकोर्स यू कैन बैलेंस बोथ इन लाइफ बट इफ इफ यू आर फोकस्ड इन समथिंग एट दैट पॉइंट यू वॉन्ट टू डू ओनली दैट फॉर मी इफ इफ आई हैव टू गेट मैरिड एंड इफ आई हैव टू लाइक हैव अ लाइफ देन आई वॉन्ट टू फोकस ओनली ऑन दैट आई वॉन्ट टू मेक दैट प्रायोरिटी उसको मेरे को प्रॉपर टाइम देना है अच्छे से करना है उसके लिए अभी आई एम नॉट आई एम एंजॉइंग दिस टू मच

रूमर hmm. hey, ही नहीं है मुंबई में यू नो ऑन योर बिजी डेज एंड नॉट सो बिजी आप फुल डे कैसे बिताते हो

Uh, so I, we do all of that, and are you loving this independence completely? Because you know, that is some liberty to be honest. Like I stay also with my mother, but you know, yeah. I have a separate setup completely, and you know, I feel that. Yeah. Honestly, I feel that. You know, I feel like I may never do this, and now when I see, I'm like, oh, I'm you actually Yeah. Do you feel that? No, I, I'm telling you, um, I've moved out of uh, my parents' house for a, a while back, mm -hmm. but I, my mum has stayed with me, huh. and I don't think I can do without her. Yeah. I really can't i'm not one of those independent people person no i like people in, no. in, in my house i like to have people of course i want some space of mine so my bedroom has to be mine and not no. filled with 30 people but uh, i like a full house like i like and i've grown up with my daddy and my dad and i'm just like i've always had people hmm. so that i miss i feel like i wish my daddy and dad were here they would be it would be a cooler house funner house

my this um, learn off road ke numbers huh. and while i'm there they'll call them i said theek hai na kuch hua nahi na usko she's okay na my instructor will be like kon what what <laughs> my parents are very capable of that yeah. they will never stop being protective, uh, protective or, or, asking questions or or this this need of knowing that where i am and what i'm doing is always going to be there that's so sweet also yeah. at the same time you love it no completely i mean You're the pampered child. Yeah, no, I'm not pampered at all. Trust me. Even uh -huh. though I'm the only child, and people think I'm pampered, I'm not. Achha. I'm. They've been very scared of um, of me being on my own. Okay. Like when when they see me set out in the day, mm -hmm. they feel like we are not with her. Hmm. We don't know what or, where all she's going, what all she's facing, and what's happening with her. Um, so their main worry is we really hope she's okay. That's mainly it.

um yeah mainly this only do you go and like have to chai chaiz and all or you prefer like ghar pe banakar um now setup has become Thoda. if you're hai. traveling then you like to sit at a dhaba yeah. and have a nice cup of tea um or i to like that barish or no barish mujhe wo butte bahut pasand hai जो वो लोग रास्ते पे सेक के मसाला मार के देते हैं भाई कर दिया literally अभी वो तो आई एम लाइक ये तो चाहिए यार ये नहीं हो सकता और चना का चाट that.

आई मीन आई फील लाइक इवन इन इट्स विजुअल्स इवन इन इट्स इन द वर्ल्ड दैट वी गॉन टू इट्स बिकम डीपर एंड डार्क एंड इट्स इट्स वेरी इमोशनली फिजिकली ड्रेनिंग दिस टाइम अराउंड नॉट जस्ट ऑन शूट वो तो अलग है मैंने अभी डबिंग की है डबिंग में जान निकल गई मतलब इन अ डब एव इंजर्ड माई सेल्फ इन अ डब विच इज़ नॉट पॉसिबल Um, but that's how much this film needed, and um, that's how much I've had to do, like really. So, the thought of it right now, also, no, one, one, like while you're asking me this, I'm getting flashes of scenes and I'm, my energy is sinking. Hmm. I mean, like, don't remind me, please don't remind me. How <laughs> I did what I did, don't remind me, please. But you believe in ghosts and all because I do. Yeah, I, I, I believe. It. Mujhe lagta. No, no, I fully believe in ghosts, I believe hmm. in supernatural um, entities and presences and. ट आई बिलीव इन इट आई है एक्सपीरियंसड इट मतलब मैंने रियर यही कैसे हो सकता है बट कुछ मैंने ऐसे बहुत ज्यादा पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया है और फिर कौन सी फिल्म देखी है आपने थियेटर में सत्या प्रेम की कथा नो नॉट येट आई थिंक द लास्ट फिल्म आई सॉ इन अ थियेटर टू बी वेरी ऑनेस्ट वॉज टू जूटी माई मकारॉज में उसकी स्क्रीनिंग थी <laughs> ये वाली स्क्रीनिंग पे नहीं गए थे आप सत्यप्रेम की पर सच्ची मई डू यू फील दैट यू नो बिकॉज यू आर अ बोरी मुस्लिम एंड यू नो गुजराती टोनिक होता है यू थिंक अभी भी लोग बाइडी बोलते हैं लाइक कार्तिक बाइडी बाइडी जो बोल रहे हैं यू नो प्रोमोज में भी रियली मेरी बाइडी है या यू सेइंग बाइडी बाइडी फॉर द वाइफ फॉर द वाइफ डू यू फील दैट इवन नाउ लाइक पीपल से बाइडी एंड ऑल आई हैव नो आईडिया व्हिच पार्ट ऑफ गुजरात इज द फिल्म बेस्ड इन मे बी दैट हां आई गेस इन बड़ोदा एंड अहमदाबाद एंड ऑल मे बी है ना आई डोंट नो डू दे But when yeah. I go, I ask people. मैं कहा अभी भी बोलते हो नहीं बोलते हो? I but do you, do you have such names like you know because we have a different Gujarati for that matter you know and when we are talking you know ये बानडू you know we say something like that ये you know ये तो ऐसा धोखले जैसे ही बातें करता you know ha -ha. do you have certain tones like that you know for your friends? But I'm a Bori Muslim. हाँ and ना Gujarati is very different very even from different, yeah. normal like I had a like I had a Bori yeah. Muslim friend आर्बा and बहुत different बहुत अलग है बहुत ज़्यादा लगे उनके भी कुछ एक tonalities और य

अभी एक बहुत स्मॉल सेगमेंट आई एम गोइंग टू प्ले विथ यू वेरी स्मॉल सेगमेंट विच इज़ अबाउट सिटुएशन आपकी लाइफ में जहां पर आप गाड़ी चला रहे हो और ये सिचुएशंस होने वाली है हो और आप कैसे रिएक्ट करोगे आप क्या करोगे ठीक My है सो विच इज आप ड्राइव कर रहे हो hmm. और आपके नेक्स्ट यू नो एक लड़का बैठा है एंड सडनली रिंग प्रपोजिंग यू आई वॉन्ट दिस

When you're driving, or, you know, आप किसी से बात करे कर और सम, कोई है सामने आपके वो सो जाता है बात करते करते सो चुका है वो इंसान बाजू की सीट पर तो बैठ के मैं बहुत बार सो गई हूँ हाँ? कोई भी चला रहा है आपके साथ में ऐसे कोई करे तो uh, मैं गाना बहुत जोर से चला के उठा दूर आप गाड़ी चला रहे हो एंड सडनलीफ द कार

Thank you so much. I'm done. You're done. Bye now.